अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक। अच्छा यार, मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक होशियार की जरा ये वाली वीडियो देखें आप। ओए 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 भाई, वाइब देख रहे हैं, वाइब देख रहे हैं यहाँ पे। ये आया मक्खन। वाह जी वाह। मैं ये मौलान का स्पेशल कटाकट। बिस्मिल्लाह, अल्टीमेट होता है भाई। वीडियो देख लिया आपने? अब इस वीडियो के बाद मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा। ये एक बड़े मशहूर ब्लॉगर, व्लॉगर, श्लॉगर सब कुछ हैं। मुद्दा ये है कि बोलान खटाखट पे, जो कि हुसैनाबाद पे है, मैं जा चुका हूं। आपको मेरी हिस्ट्री में एक वीडियो भी मिल जाएगी, उसकी एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पे, आप जरा उसको देखें। बोलान सर जी आए हुए हैं, ये हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर है, मशहूर फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर हमने खटाखट का ऑर्डर किया, फुल प्लेट 1800 रुपए की है। हैरानी की बात, जब वो बनाने लगा तो वो माजरीन में खटाखट बना रहा था, जो कि इतिहास से ज्यादा बेवकूफी की बात है। मैंने जिंदगी में किसी को माजरीन में खटाखट बनाते हुए नहीं देखा। दूसरी बात, जब खटाखट बन के सामने आई तो टेस्ट बिल्कुल एवरेज था। मतलब मैं शायद यहाँ वापस पैसे दे के ना आऊं। अब वजात क्या है? वजात ये है कि ये भाई साहब बोलान बोलान खटाखट पे गए और कहते हैं क्या जबरदस्त खटाखट है। इस तरह के लोगों की हर वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता। मतलब जिसकी वीडियो बनी, आप पहले से तय है कि वो चीज अच्छी है। इस जगह पे मैं गया हुआ हूं, मैंने खटाखट का ऑर्डर दिया, मैं मेकिंग बनाने के लिए, और मैं वीडियो बनाने नहीं गया था, मुझे कोई लेके गया था। मैं जब शूट करने गया, हमने बोला मक्खन में बना दो, तो मक्खन में बना दो, तो उसने क्या किया कि उसने माजरीन में बनाना शुरू कर दी। मैं फिर कह रहा हूं, खटाखट में माजरीन यूज कर दिया उसने। मैंने उसको कहा भाई तू क्या कर रहा है, मक्खन बोला है। कहता है हम माजरीन यूज करते हैं, तुम्हें मक्खन चाहिए दुकान पे जाओ लेकर आ जाओ तो मैं बना दूंगा, हम तो माजरीन में बनाते हैं। भाई ये बात पब्लिक को बताओ तो सही ना यार। पब्लिक को कोई नहीं बता रहा कि एक आदमी, एक खटाखट वाला जो बड़ा मशहूर है, वो बनाता खटाखट, अगर आप उसको बोलो मक्खन में बना दो तो माजरीन में बना देता है। कभी सुना है किसी चीज को माजरीन जैसे टेस्टलेस आइटम में बना दो? भाई इससे अच्छा तो घी में बना दो, तेल में बना दो, क्या तुक बनती है माजरीन में बनाने की। अब यहां वजाहत क्या जरूरी है? वजाहत ये है कि भाई आप लोग मुझे बड़े तानबाजी करते हैं, बड़े लान तान करते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता। भाई मैं अगर जिस तरह ये लोग काम करते हैं ना, ये लोग काम करते हैं कि जिस जगह की पहले सेकंड से इसकी नई वीडियो आ गई, उसकी आ गई, इसकी आ गई, जिसकी भी नई वीडियो आ गई, इसका मतलब वो चीज की तारीफ है। मुझे एक बात बताओ, इतने सारे लोग खाते पीते हैं, क्या तुमको जिंदगी में हर कुछ अच्छा लगता है? साल की 150 वीडियोस आएंगी तो 150 अलग खाने, 150 के 150 अच्छे लगेंगे, ऐसा हो सकता है? इसको कहते हैं व्लॉगिंग। उसका मकसद वीडियो बनाना है, उसमें जो आ जाए, कुत्ते का गोश्त डाल दो, गधे का गोश्त डाल दो, अगर उसने वीडियो बन गई है तो कुछ भी हो तारीफ ही होगी। मैं फूड क्रिटिक करता हूं, अब चाहे आप समझो मुझे आता है नहीं आता। फूड क्रिटिक का मकसद यह है कि जो चीज मैंने खाई है वो खाने में जो सही, कमी, बेशी, अच्छाई, बुराई है, वो मैंने सब सामने रख देनी है। अब पब्लिक का फैसला है। अब इस तरह के जो व्लॉगर्स हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट है कि वीडियो बना के आपको खूबसूरत चीज दिखाना, और जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता फेमस हुए हैं तो इनके पास एक्सपर्टीज मेरे से ज्यादा है, इनके पास स्किल सेट मेरे से ज्यादा है, और ना मेरे इनसे कोई मुकाबला है, ना मैंने इनसे कोई मुकाबला करना है, क्योंकि मैंने इस तरह की मार्केट में नहीं घुसना जहां पे इस तरह की इज्जत मिलती हो कि हाँ भाई आप तो चले चले करके सब अच्छा दिखाते हैं। भाई एक आदमी को सब कुछ कैसे अच्छा लग सकता है? एक आदमी के टेस्ट बट पे सब कुछ कैसे चल सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको ड्रामा देखना है देखो, मगर ये वीडियो है। फिर वहां पे इनकी वीडियो देख के 100 लोग जाते हैं, मगर खैर ये तो खैर मेरी वीडियो में भी किसी को, टेस्ट एक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है कुछ अच्छा लगेगा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मगर जो है वो सीधा सीधा बताओ। जिस सोडा में मुझे चीनी की मिलावट ज्यादा नजर आई है, भाई सोडा में फ्लेवर का किक चाहिए ना। खटाखट में अगर आप मक्खन डलवाते हो, जमाने से अपने अम्मा अब्बा बाप दादा से पूछ लो कि भाई अगर मक्खन डलवाते हो तो क्यों? क्योंकि मक्खन का एक खास टेस्ट चाहिए। अगर तुमने उसमें माजरीन डाल दिया तो तुमने तो माँ बहन एक कर दी खटाखट की। ये नहीं बताना आपने, आपने बताना है क्या ठक 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 आवाज आ रही है, तो भाई गली के कोने पे कोई कुत्ता खटाखट वाला बैठा होगा ना, उसकी भी ठक ठक की आवाज आएगी जब खटाखट बनाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग पैसे लेते हैं, जरूरी नहीं है कि पैसे लेते हो, बट अवाम को खाने की क्रिटिक नहीं बताते। तो ये व्लॉगर्स हैं और मैंने क्रिटिक करना है। अब चाहे मेरा क्रिटिक सही लगे कि बुरा लगे,
तो ये बात करनी थी मैंने और ये सौदेबाजियां आपको दिखानी थी। ऐसे लोगों का हम और एक्सपोज करेंगे जो अपने आप को फूड एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो फूड एक्सपर्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खाने को दिखा देते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।